हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से अपने आ चुके हैं घमासान से भरा हुआ गेम प्ले वीडियो लेके, और आज अपने खेलेंगे क्लैश कोड। इसके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक सीन भरे हुए हैं, तो अपने खेलेंगे आज खतरों से। चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो पहले ही बता रहा हूँ, वीडियो को जो है अभी से ही लाइक कर दो, बाद में आपको समय मिले या ना मिले, और वीडियो को जितना उसके शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो के थोड़ा मतलब सोच लो आप, वीडियो पे व्यूज आएंगे बहुत ज्यादा। तो वीडियो को शेयर जितना उसके कर देना, और चैनल पे जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन है ऑल पे सेलेक्ट कर देना। मैं आगे की साइड में चलता हूँ बंदों को मारने के लिए, क्योंकि बंदों को मारना जरूरी है, तभी अपने बुइया कर पाएंगे, और देखते हैं अपने इसके अंदर बुइया कर पाएंगे नहीं। तो मैं आ चुका हूँ बंदों को मारने के लिए। मैंने उसे डैमेज दिया अच्छा खासा, पर कवर में चला गया बंदा। तो एक किल तो निकालेंगे यहाँ से अपने, मतलब यार कवर में चला गया वो, और अपने उसके मार नहीं पाए। ये बंदा नीचे भाग रहा है, देखो, मतलब अपने को बोल के नीचे भाग रहा है, मतलब मार के, अपने को बोल के क्या मतलब मार के भाग रहा है, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। और वैसे अपने ने उसे नॉक कर दिया, तो अपना टीममेट हो चुका है एक और नॉक। तो इसे रुको, मैं फिनिश करता हूँ इसे जो नीचे है, इसे इसी के साथ कर दिया अपने फिनिश। अब नीचे के साइड में जो बंदा है उसे भी करके आते हैं। कहाँ पे अपना टीममेट, तो ये रहा। तो बंदा एक और, मतलब अपना टीममेट किसी को मार रहा है, तो चलते हैं अपने भी। अपने पे डैमेज आया, मतलब अपने को किसी ने मारा पीछे से। तो रुको मैं एक बार देख लेता हूँ बंदा, ये रहा भाई साहब कोरोनो। अरे बाबली गांडों से पाला पड़ गया। चलो अब तो वैसे कोरोनो का अपने कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा न्यू अपडेट के अंदर कोरोनो भी जो है कुछ नहीं कर पाएगा किसी भी प्लेयर का। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात। तो आपको ये खबर सुन के कैसा लगा था मुझे बताना कमेंट के अंदर। अगर आपको अच्छा लगा हो ना, तो मैं करूँ जितना उसके इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और को बंदा एक नीचे है, तो देखते हैं अपने बंदे उनके बचे कितने हुए हैं। पहले रुको उनके बंदे देखने दो मेरे को है कितने। वैसे एक बंदा वो रहा पीछे की साइड में, मैं अपने आप को हील करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि हील करना जरूरी है, क्योंकि वो अपने को बहुत बुरे वाला मार रहा है, मतलब डैमेज बहुत ज़्यादा ही दे रहा है। ये देखो, मतलब मैं थोड़ा सा मुंडी दिखा रहा हूँ, वो मेरे को डैमेज देने की कोशिश कर रहा है, और वो जो है सिर्फ अकेला है, मतलब उसके साथ कोई नहीं है। तो अपने को मारना बिल्कुल आसान हो जाएगा अब तो, आराम, मतलब आसानी से मार देंगे, आराम से मारेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री। तो टेंशन नहीं लेनी इसकी, अब इसको मार के दिखाऊंगा मैं आप, देखो, मतलब देखो आप, मैं कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, कभी ऐसा ना हो मेरी चटनी बन जाए यहाँ पे। तो बस अब जोन से बाहर निकलेगा, उसे हेड लगा है, इसका मतलब वो पूरा डैमेज है, और अपने आपको हील करेगा क्योंकि जोन भी पीछे से आ रहा है। तो भाई साहब टाइम नहीं मिलने वाला उसको मारने के लिए अब, तो अब वो मेरे को मारेगा मेरे को नहीं लग रहा था इसलिए। तो अपने ने आके उस पर रश कर दिया और ख़त्म कर दिया उसे। मेरे को पता था मतलब वो हील में बिजी हो जाएगा अपने आप को हीलिंग करने में, बस इसी का फ़ायदा उठाया मैंने और कर दिया उसे फिनिश। तो अब चलते हैं, मैंने ले लिया अपनी फेवरेट गन थॉम्सन। और भाई साहब क्रोनो फिर से वो यहाँ पे लगा के भी बैठ गया, निकल भी गया, मतलब क्या यार क्रोनो का यूज़ मत करो अब, अब तो क्रोनो वैसे भी जाने वाला है। और अपना एक्टिमेट हुआ नॉक, तो कोई बात नहीं है, बंदा रहा ये रहा इसी का निकल, यही क्रोनो था, मेरे को पता था इसी का क्रोनो है। भाई साहब इसको तो हेडशॉट के साथ पिछले मैच में ही ख़त्म किया था मैंने, और इस मैच में भी कर दिया इसे ख़त्म। तो वेट करते हैं बंदे का आने का, और ये बंदा आ रहा है, मेरे को लग रहा साउंड आई है, ये रहा भाई साहब यार ये कोरोनो। चलो भाई साहब अपने बच गए, मतलब अभी मैं फिनिश हो जाता पूरा, पर अपने टीममेट ने बचा लिया अपने को। भाई साहब थैंक यू, मैं निकलता हूँ हील करने के लिए, और सबसे पहले अपने आप को हील करता हूँ, क्योंकि हील करना जरूरी है। उनके सिर्फ दो बंदे बचे हुए हैं, तो 2v2 मैच है। तो रुको पीछे बंदा आएगा, ये रहा बनी, मतलब ये जो भी है भालू जो भी है मेरे को नहीं पता, वैसे इसे फिनिश कर दिया वैसे अपने टीममेट ने, और उनका एक बंदा बचा हुआ, तो अब उसे मैं मारूंगा उसे मैं। मार दिया, मतलब बिल्कुल आसानी से मार दिया मैंने इसे भी। तो अब जो है दो राउंड बचे हुए हैं, तो अब थर्ड राउंड में अपने पहुंच चुके हैं। तो मैं चलता हूँ ऊपर की साइड में, और मैंने ले ली अपनी फेवरेट MP5। अब मैं मारूंगा चुन चुन के यहीं पे से, मैं पूरी टीम उड़ाऊंगा, देखो कैसे, मतलब अपना एक टीममेट हो गया नॉक, अब वो फिनिश भी कर दिया भाई सब उसे। तो अब बचे हैं अपने 3 और वो जो है 4। तो एक बंदा आ रहा है उनका सामने, और ये है वो क्रोनो वाला, इसको मैंने रेगुलर 3 मैच में उड़ाया है,
मतलब यार क्यों मेरे से मार खाने आ जाता बार बार। और एक बोरा वो डबल डोर के अंदर चला गया तो बाहर तो निकलेगा और मेरे को अंदर नहीं लग रहा, वो पीछे बोरा। और इसी साथ इसको भी किया नॉक और अब जो है उनका दो बंदे बचे हुए हैं तो वो ऊपर की साइड में आपको देखिए उसे भी करते हैं एक नॉक। बस इनको नॉक कर देना, मैं कह रहा हूँ लाइक ठोक देना जितना हो उसके, शेयर ठोक देना वीडियो को और सब्सक्राइब तो कर ही देना बेल नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट करके, ठीक है। और रुको लो भाई साहब मैंने कर दिया उसे भी, तो अपने ने मार दिए तीन बंदे और इसी के साथ एक टीम बचा हुआ बंदा वो अपने टीममेट ने कर दिया, उनके लिए मैंने छोड़ दिया। तो अब जो है लास्ट राउंड बचा हुआ, तो इसी के साथ मैं चलता हूँ आगे की साइड में और इसमें देखते हैं अपने पास कितने हाथ में लगते हैं किल। और वो रहा सामने की साइड में बंदा, तो मैं आगे की साइड में जाता हूँ या नहीं जाऊँ, मेरे को तो वैसे डर लग रहा है क्योंकि कभी ऐसा ना हो मैं जोश में होस्ट का बैठूं। सॉरी मैं गलत बोल गया, कोई बात नहीं है। और चलते हैं आगे की साइड में, अपने जाना तो पड़ेगा। यार भाई साहब एक बंदा, भाई साहब इसने फिर से कोरोनो खोला और इसके बाद शॉटगन। भाई साहब ब्लू बॉल मेरे को लगाने चाहिए थे क्योंकि मेरी हेल्थ देखो आप, और मेरे को लग रहा है जितना उसकी भी हेल्थ जीरो हो चुकी होगी या तो उसकी हेल्थ कम ही बची है क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा ही डैमेज किया था उसे। तो कोई बात नहीं है, अब मैच भी ख़त्म कर देते हैं अपने। इसी के साथ मैं हील करता हूँ, सबसे पहले हील करना ज़रूरी है, आप सबसे पहले हीलिंग करने में पूरा टाइम दिया करो, मतलब हील कर लिया करो। मेरे को लग रहा है मैच ख़त्म होने वाला है क्योंकि मेरे हाथ में किल लगेगा नहीं। तो इसी के साथ अपने ने कर दिया भैया। तो ये वीडियो जो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना और वीडियो को जितना उसके अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, जितना हो सकता है करो, मतलब फैला दो इस वीडियो को जितना हो सकता है। तो वीडियो आपको दिख गया होगा तो उस पर क्लिक करो, वो भी देखो, मैं उसमें मिलता हूँ वीडियो में।